एग्रोविजन प्रदर्शनी एक ऐसा आयोजन है जो किसानों के लिए एक नई अवधारणा, एक नई दृष्टि और एक नया उत्साह लेकर आता है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वह एग्रोविजन के माध्यम से किसानों के लिए प्रौद्योगिकी और तरीकों में बदलाव लाने में सफल रहे हैं। मध्य भारत की सबसे बड़ी कृषि प्रदर्शनी एग्रोविजन का आज समापन हो गया। यह प्रदर्शनी 24 से 27 नवंबर तक आयोजित की गई थी। अमरावती मार्ग पर दाभा इलाके में समापन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। इस समय वह बात कर रहे थे। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्री तागे ताकी, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सांसद रामदास तडस, विधायक सर्वश्री टेकचंद सावरकर, हरीश पिंपले, दादाराव केचे, पूर्व सांसद विकास महात्मे और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जहर मुक्त कृषि की अवधारणा को लैब जड़ जमाने की जरूरत है। सरकारी स्तर से अगले 2 वर्षों में लगभग 35 लाख हेक्टेयर कृषि को प्राकृतिक कृषि के अंतर्गत लाया जाएगा। इसके साथ ही जल संरक्षण कार्य के लिए जल युक्त शिवार अभियान चलाया गया है। 22,000 गांवों में जल युक्त शिवार के माध्यम से काम किए गए हैं। इससे किसानों के लिए हर साल 2 से 3 फसलें लेना संभव हो गया है। अब इस योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया है और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए 1 रुपए में फसल बीमा दिया गया है। 1,60,00,000 खाता धारकों ने फसल बीमा कराया। यह देश में एक रिकॉर्ड है। राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है और किसानों के खाते में 6,000 रुपए जमा किए जाते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी पहली किश्त हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वितरित की है। नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना के पहले चरण में विश्व बैंक ने 4,000 करोड़ रुपए दिए हैं। पहले चरण में पश्चिम विदर्भ और मराठवाड़ा को शामिल किया गया था। अब दूसरे चरण में 6,000 करोड़ रुपए मिले हैं और पूरे विदर्भ और मराठवाड़ा को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। किसान साल भर बिजली की मांग करते हैं। इस संबंध में शासन स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। नागपुर में विश्व स्तरीय एग्रो कन्वेंशन सेंटर के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है। आने वाले समय में इसी कन्वेंशन सेंटर में एग्रो विजन प्रदर्शनी का आयोजन किया जा सकता है। संतरे के निर्यात पर बांग्लादेश के शुल्क लगाने से निर्यात प्रभावित हुआ है, अंत में फडणवीस ने कहा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। हम एथेनॉल से चलने वाले वाहनों को बाजार में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। जल्दी हमारे पास एथेनॉल से चलने वाली मोटरसाइकिलें और ऑटो रिक्शा भी होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी जल्दी एथेनॉल वेंडिंग पंप लगाएगी, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा कि ईंधन आयात के लिए जरूरी 16,00,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसी तरह वर्धा के MSME केंद्र ने करोड़ों रुपए की एक मशीन विकसित की है, जिससे बांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है। उन्होंने बताया कि इसे बिजली संयंत्रों में कोयले की जगह फीड स्टॉक के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना है। किसानों को नए टेक्निक, नए विजन देने का प्रयास करते हैं। ये पहला एग्रो विजन है कि जहां हमने बांबू से व्हाइट कोल निर्माण करके हम कोयले का अल्टरनेटिव देश को देने का प्रयास कर रहे हैं। यहां एक मशीन आया है, एमगिरी करके वर्धा में संस्था उन्होंने तैयार किया है और 3-3 mm के बांबू के टुकड़े निकल रहे हैं और जिसकी कैलोरिक वैल्यू ये करीब 4,000 तक जाती है, जो कोयले के बराबर है और 4,000 रुपए में बांबू का हम सप्लाई करने वाले हैं पावर प्रोजेक्ट के लिए। चंद सावरकर जी, हरीश पिंपल जी, दादाराव केचे जी, पुष्प माने अधिकारी उपस्थित, डॉक्टर विकास महात्मे जी, विजय जाधव जी, रवि बोरखकर जी, डॉक्टर अजय पोद्दार जी, श्रीमती अश्विनी जिचकर, आनंदराव राऊत, मंचावरील सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आज ॲग्रोविजनचा समारोप या ठिकाणी होतोय आणि प्रत्येक वर्षी ॲग्रोविजन विदर्भातल्या शेतकऱ्यांना एक नवीन संकल्पना, एक नवीन दृष्टी आणि एक नवीन उत्साह देणारा अशा प्रकारचा कार्यक्रम ठरतो। ॲग्रोविजन समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, मंच पर आसीन सभी सम्मानित सदस्य, उपस्थित सज्जनों और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जनों, देवियों और किसान भाइयों, जिन सभी मित्रों ने यहाँ पर अपनी स्टॉल लगाए, ऐसे सभी कंपनियों और स्टॉल लगाने वाले मित्रों,
मीडिया के सभी सम्मानित मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विशेष रूप से भगवान श्री रामचंद्र और भगवान श्री कृष्ण जी की धरती से आप सब महाराष्ट्रवासियों को अपनी ओर से प्रणाम करता हूं। यह वर्ष हिंदू पाठ पातशाही के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का 350वां वर्ष भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश का और छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक से एक बहुत आत्मीय संबंध रहा है, जो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के घनिष्ठतम संबंधों को हमेशा जीवंत करके रखेगा। मैं इस अवसर पर आप सबको अपनी ओर से अभिनंदन भी करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। यहां के सारा लोगों को हार्दिक नमस्कार। आज एग्रीगेशंस 2023 के बेनेडिक्टी फंक्शन में मंच पे पधरे हुए एग्रीगेशन के चीफ पेटर्न ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर गडकरी जी, मंच पे पधरे हुए महाराष्ट्र के ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे साथी यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी एग्रोविजन के रवि बोटाकर और अन्य अग्रगण्य व्यक्ति, मंच पे बैठे हुए लोग, सारा नागपुर और इसका इलाके के किसान साथियों। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।